क्वेश्चन हमारे पास क्या है जो फॉर्मूला बेस्ड है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है 5.92 प्लस 1.8 क्यूब प्लस 4.8 क्यूब माइनस 3 × 5.9 × 1.8 × 4.8। अपॉन 5.9 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर माइनस 5.9 1.8 1.8 × 4.8 माइनस 4.8 × 5.9। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू निकाल। अगर आप इसको एज इट इज देख रहे हैं तो डर लगना शुरू हो जाता है जिस फॉर्म में ये दिया हुआ, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले की नजर से देखेंगे तो ये बगैर लिखे सॉल्व हो जाएगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कौन सा फॉर्मूला है? सर इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC वाला है ऊपर में न्यूमरेटर फॉर्मूला लिखा था जी, यही वाला है। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है पीछे, यही हमारे पास है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे ऊपर नीचे दोनों सेम फॉर्मूले लिखे हुए भाई। ऊपर जो हमारे पास है, ऊपर जो हमारे पास है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, ऊपर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या मुझे बता सकता है हमारे पास आंसर क्या है? बताओ क्या आंसर आएगा? प्लीज ध्यान से देखो, आपके पास जो ऊपर लिखा हुआ है ना बेटे, वो लिखा है ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC और नीचे जो लिखा है बेटे वो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे वाले फॉर्मूले को तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, ऊपर वाले फॉर्मूले को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC होता क्या है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे नीचे भी तो यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो वो क्या रहा है ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है। तो अगर ये ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है तो सिर्फ फाइनली आंसर क्या है हमारा? हाँ जी, समझ में आई बात या नहीं है? तो आंसर हमारा आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा ए क्या है हमारा, ए हमारा है बेटे 5.9, बी हमारा क्या है 1.8, सी हमारा क्या है 4.8। तो फाइनल आंसर जो इसका होगा सिंपल वो सिर्फ इतना सा ही होगा कि 5.9 प्लस 1.8 प्लस 4.8। तो आपके पास ये कितना हो गया 6.6, 5.9 प्लस 6.6 ये 11.5, ये हमारा आंसर। सर सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? जी सर क्लियर है। हाँ भाई जी सर, सॉल्व नहीं करना होता कभी, आप सोचो कि क्यों करना है करना, ये सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। कोई क्वेश्चन होते आपसे कह रहा है 9.8 क्यूब, एक बार और आप फॉर्मूले देख लेंगे उसको शीट पे सामने लिख के रख लेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके लिए आसानी है। यूट्यूब पे रहेंगे आप दोबारा से भी देख सकते हैं। 9.8 × 6.8 − 6.8 स्क्वायर, बताओ ये फॉर्मूला किसका नजर आ रहा है, इसकी क्या वैल्यू होगी?
हाँ भाई, ऊपर हमारे पास नजर आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे हमें नजर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? ये नीचे भी प्लस में है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नजर आ रहा है। अब आप मुझे बता सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है इन फैक्टराइज फॉर्म? ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बेटे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर आप चेक करोगे आपका ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये मैं क्वेश्चन ही उसी तरह से लिख के दिखाऊं आपको, देखिए आवाज तो आ नहीं रही आप लोगों को। मैं आपसे कह रहा हूँ 9.8 का क्यूब माइनस 6.8 का क्यूब अगर आप लिखोगे तो ये आएगा a माइनस बी एंड ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड ए बी, ये आएगा ऊपर। और हमारे पास पहले से ही जो नीचे हमें दिया हुआ है वो दिया है 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 इनटू 6.8 प्लस 6.8 का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है ऊपर। तो अगर आप चेक करेंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, आ गया समझ में? अगर ये ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर बचा गया 9.8 माइनस 6.8, दैट इज आवर 3। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बोल। बिलाल भैया को समझ में आ रहा है? बिलाल, बिलाल को तो आवाज ही नहीं जा रही, तो बिलाल कर पा रहे हैं? आसिफ जी सर आवाज आ रही है? जी सर। फातिमा, फातिमा जी सर आ रही है? समीरा यस सर आ रही है। और अदनान, 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 अकरम यस सर, समीरा, सुमैया यस सर, यावर जी सर आ रही है। बिलाल चलिए देखो एक क्वेश्चन और देखो, हमारे पास हमसे क्या कह रहा है 835 + 378² + 835 - 378² देखो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला आपको इस तरह से याद हो कि फॉर्मूला ना लिखना पड़े, जिस तरह से हम फॉर्मूला लेके ब्रैकेट कैंसिल कर रहे हैं उसकी जरूरत ना हो, हमें डायरेक्ट पता हो कि होना क्या है 835 × 835 + 378 × 378। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये अपने आप में बहुत बड़े नंबर हैं, उनके स्क्वायर्स करें फिर उनको मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला बेस करेंगे तो इजी हो जाएगा। बताइए आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज वेरी मोर सिंपल सा क्वेश्चन।
क्या वो नहीं आया समझ में? बेटे बहुत ही शॉर्ट में देखो, ऊपर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ऊपर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, मैं यही लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर आपके पास है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो? यस सर। बेटे 835 प्लस 378 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b ले लो, और दूसरा भी 835 378 है तो वो भी a माइनस b ले लो। अब अगर आप बीच में प्लस कर रहे हो तो आपको ध्यान से देखना होगा, 2ab कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? हाँ भाई, 2ab कैंसिल हो जाएगा ना जी सर, प्लस में आ रहा है और एक में माइनस में। तो अगर बेटे ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितने बार बचेगा? दो बार बचेगा। वेरी गुड बेटे, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो आपके पास आएगा बेटे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मेरा कोई बच्चा बता सकता है कि नीचे क्या लिखा हुआ है बेटे? 835 into 835 378 into 378। क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिखा हुआ बेटे? बताओ जी सर। जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कटेगा बेटे ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या? 2। बस यही आंसर है बेटे। सबसे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया बताओ? जी सर आ गया। ठीक है, तो बेटे फॉर्मूला सोच, नंबर्स नहीं सोचने। नंबर सोचते रहोगे तो बहुत डर लगेगा। देखो इधर, देखो दोबारा से। अगर आपके पास बेटे ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ था ये क्वेश्चन, तो आपको यही देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नंबर्स तो बाद में सोच लेंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ऊपर a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर से बेटे हमारे पास, अभी मैंने आपको करके दिखाया, तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, और नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, क्योंकि नीचे तो सॉल्व करने के लिए कुछ था नहीं, सॉल्व करने के लिए सिर्फ ऊपर ही था, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया तो ये आया था। अब अगर ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा? 2। आगे समझ में? देखो अब ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि अगर x जो है वो हमारा 3 प्लस अंडर रूट 8 है, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो आपसे कह रहा है फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये हमसे कह। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये 3 प्लस रूट 8 है तो इरेशनल नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास फॉर्मूला है। तो पहले फॉर्मूला देखो फिर सोचो हो क्या रहा है। एक्चुअली होगा क्या, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो क्योंकि हमारा x ही अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, अच्छा खासा नंबर है रूट 8 में, उसका स्क्वायर करें अगर हम तो वो अपने आप में मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये, यहाँ पे 1 अपॉन x है तो 1 अपॉन x करें उसका स्क्वायर करें तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पहले तो दिमाग में रखो कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर ना करके a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस केस के अंदर अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालना है तो ध्यान से आप बच्चे सब देखो, ये x से x तो कट ही गया, ठीक है। कभी भी अगर ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह से रेसिप्रोकल वाले, तो उसमें 2ab हमेशा कट जाता है, तो 2 से 2 कट गया। तो सिर्फ मुझे अब जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ x प्लस 1 अपॉन x की चाहिए, और पहले उनको प्लस करेंगे बाद में उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन x का मतलब ये है बेटे कि x तो मुझे दिया हुआ है 3 प्लस रूट, ठीक है सर, 3 प्लस रूट 8। मेरे पास 1 अपॉन x क्या आएगा, 1 अपॉन x आएगा बेटे 3 प्लस रूट 8। आपको रैशनल इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करना आता होगा। क्या आता होगा कि भाई अगर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं
तो हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज कर लेते। कुछ आता है क्या आपको ये? ठीक है, नीचे जो हमारे पास नंबर होता है नहीं आता, चलो सीख लो। अगर आपके पास इरेशनल नंबर है, अब आप इसको एक तरह से अलग से ले लो। क्या अलग से ले लो कि सपोज करो अगर आपके पास ये नंबर है, तो एक सेकंड के लिए सीख लो, ये नंबर है 3 + √8। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसे सिंप्लीफाई करो, या सिंप्लीफाई ना भी करो तो ये ध्यान रखो नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो करते क्या है बेटे, जो नीचे टर्म दिया होता है, सब बच्चे सीख लीजिए अगर ये चीज नहीं आती, जो नीचे नंबर दिया होता है ठीक है, स्पेशली टू टर्म्स वाले, तो उसका अपोजिट साइन, मतलब अगर प्लस में दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर माइनस में दिया है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 + √8, तो हम क्या कर रहे हैं 3 - √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो इससे ये सिंप्लीफाई हो जाता है, नीचे वाला अंडर रूट हट जाए। अच्छा, अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या बताया मैंने आपको अभी, वेरी गुड बेटे, तो a स्क्वायर हो जाएगा बेटे 3 का स्क्वायर, और b स्क्वायर हो जाएगा बेटे √8 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने आप ही। अब आपको बताया बेटे 3 का स्क्वायर तो होता है 9, और √8 का स्क्वायर होता है बेटे 8, तो 9 - 8 क्या हो जाएगा बेटे, 9 - 8 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 1/x था हमारा, उसकी वैल्यू 3 - √8 आ गई। ये वाली बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ठीक है, x क्या है बेटे हमारे पास, x है हमारे पास 3 + √8, और 1/x क्या आया हमारे पास, 3 - √8। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो हो रहा है, वो हो रहा है x प्लस 1/x² माइनस 2ab। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस 1/x, दोनों का सम। जरा मुझे बताओ इन दोनों का सम होके क्या आ रहा है, 1। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। तो अगर बेटे हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को बेटे प्लस कर रहे हैं, तो √8 √8 तो कट ही जा रहा है। अगर कट जा रहा है तो बेटे यहाँ 6 का स्क्वायर आएगा, माइनस ये भी कट गया 2, 36 - 2, तो आंसर क्या आया, समझ में आया नहीं आया? दोबारा से देखो। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 + √8, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये मानते। तो आप कहाँ से सोचना शुरू करोगे, आप यहाँ से सोचना शुरू करोगे कि भाई x² + 1/x² क्या होता है, x² + 1/x² होता है x + 1/x² माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मुझे चाहिए, अभी सिर्फ आपके लिए ज्यादा स्टेप लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे चाहिए x + 1/x² तो मैं बाद में कर लूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x + 1/x, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे x + 1/x चाहिए, ठीक है सर, अगर मुझे x + 1/x चाहिए तो मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अब मुझे ढूंढना है 1/x क्या होगा, तो 1/x क्या होगा सर, 1/3 + √8। अगर ये 3 + √8 है तो मुझे 3 - √8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। आपको सिर्फ अपने आप ही दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कि भाई नीचे आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, तो 9 - 8 1, तो इसका मतलब ऊपर आ गया 3 - √8। यस सर नो? तो हमारे पास दोनों का सम x + 1/x क्या आ गया सर, 3 + 3 = 6, कितना आ गया सर 6, तो आपके पास क्या आ गया सर 6 का स्क्वायर - 2, 36 - 2, मेरी बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है, √8 से √8 कट जाएगा बेटे, 3 + 3 = 6 आ जाएगा दोनों का सम, दोनों के सम को यहाँ रख देंगे। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 - 36। चलो एक क्वेश्चन और देखो दोबारा से,
चलो बताओ कौन बता रहे आपसे क्या कह रहा है बेटे a प्लस वन अपॉन a इज इक्वल्स टू फोर अंडर रूट टू और आपसे कह रहा है फाइंड a की पावर सिक्स प्लस a की पावर माइनस सिक्स बताइए कौन बता a प्लस a इज इक्वल्स टू फोर अंडर रूट टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर सिक्स माइनस प्लस a की पावर माइनस सिक्स यहाँ एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला यूज होगा ध्यान है तो समझ में आया जी नहीं आइए चलिए सीखते हैं एक्चुअली क्या है पहले आपको यही देखना है कि मुझे चाहिएगी कोई बच्चा बताएगा मुझे a की पावर माइनस सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सर a क्यूब स्क्वायर अरे इसे अपॉन में लिख सकते अबे समझ में आ गया a की पावर सिक्स को माइनस सिक्स को वन अपॉन a की पावर सिक्स लिख सकते अब मैं सिक्स तो मुझे फॉर्मूला मालूम नहीं है लेकिन मैं इसको ए स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर क्यूब ठीक है सर ध्यान से देखते जाइए सब बच्चे हाँ भाई ये लिख सकता हूँ क्या जी सर अब जरा ध्यान से देखो ए क्यूब बी क्यूब क्या होता है अब आप थोड़ी देर के लिए इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान लीजिए या ए ही ले लीजिए ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब ले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ठीक है सर वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक है प्लस में है ध्यान रखिएगा तो हमारे पास किसमें आएगा माइनस में आएगा माइनस थ्री ए बी अच्छा यहाँ ए ही लेना है मैं इसको उसी तरह से लिख दूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी एंड a प्लस बताओ ये वाली बात सबको समझ में आ गई क्या हाँ भाई जी सर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी अगर ये हमारे पास है तो आप जरा ध्यान से देखो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू हाँ भाई मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए ए प्लस
वन अपॉन ए. अच्छा हमने कैपिटल ए किसको माना था, कोई बता सकता है मुझे? कैपिटल ए मैंने माना है ए स्क्वायर. किसको माना है? ए स्क्वायर. तो अब आप जरा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ए स्क्वायर की पावर थ्री. ये सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए इतना ज्यादा लिखना पड़ रहा है, एक क्वेश्चन कम से कम आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लो. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर. तो फाइनली जो मुझे वैल्यू चाहिए वो सिर्फ जो है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की चाहिए. अब आप मुझे सोच के बताओ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर होता है ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. यस और नो? यस सर. इसका मतलब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ए प्लस वन अपॉन ए की चाहिए. किसकी चाहिए? तो जरा मुझे बताइए ए प्लस वन अपॉन ए तो सीधा सीधा दिया हुआ था. हाँ भाई, ए प्लस वन अपॉन ए कितना दिया हुआ था? जरा रखना बेटे, इसकी जगह फोर रूट टू रखिए. ये हो जाएगा फोर टू का स्क्वायर माइनस टू. फोर का स्क्वायर 16 रूट टू स्क्वायर टू 16 टू जा 32 माइनस टू 30. तो ये किसकी वैल्यू आई है सर? ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर. तो इसको यहाँ रखो और यहाँ रखो, तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है? आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है बेटे 30 का क्यूब माइनस 3 इनटू 30. यस और नो? जी सर. हाँ भाई, 30 का क्यूब 27,000 माइनस 90. तो आंसर क्या आ गया फाइनली? 26,910. सब बच्चे बताओ समझ में आया नहीं? Yes, एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जंप करना था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल, पर जब आप सामने एक बार शीट रख लोगे एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है तो ये चीजें आसान लगेंगी. एक क्वेश्चन और बता दो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. चलो जरा मुझे एक चीज बताओ, देखो आप लोग समझ सकते हो या नहीं. आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि a is equals to 1 upon a minus 5. Find a plus 1 upon a. बताओ ऐसे कैसे करो. बताइए, बहुत सिंपल सा है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है. इफ ए इज इक्वल्स टू ए माइनस फाइव find a plus 1 upon a.
चलिए करते क्या है बेटे, कुछ नहीं करना होता, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, आप सबको चाहे सेम साइड ले आइए चाहे जो चाहे कर लीजिए, माइनस फाइव ए माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। समटाइम आपको ऐसे भी दे सकता है, सेम क्वेश्चन ऐसे दे दे, इक्वेशन दी हुई है और आपसे कह दे ए प्लस वन अपॉन ए या ए माइनस वन अपॉन ए निकालिए। तो सिर्फ इतना करना है, जब आपके पास तरह की इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करिए, डिवाइडेड बाई ए कर दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए, तो जरा देखो आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए फाइव ए अपॉन ए वन अपॉन ए, इससे होगा क्या बेटे, इससे होगा ए स्क्वायर अपॉन ए तो ए हो जाएगा, ये बेटे माइनस फाइव हो जाएगा और ये बेटे वन अपॉन ए हो जाएगा। तो फाइनली क्या आप सोच सकते हो कि ए माइनस वन अपॉन ए फाइव आ गया, यस सर नो? जी सर। हाँ भाई सब बच्चे बताओ, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा मुझे अब यहाँ से एक प्रैक्टिस और हो जाएगी, अगर बेटे हमें a माइनस वन अपॉन ए दिया हो तो क्या बच्चों आप लोग a प्लस वन अपॉन ए निकाल सकते हो? ये एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, मतलब इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हम यहाँ से a माइनस वन अपॉन ए निकालना सीखा है, लेकिन अगर माइनस दिया हो तो क्या आप प्लस निकाल सकते हो? मैंने अभी आपसे फॉर्मूले में डिस्कस किया, तो ध्यान से देख लीजिए होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है, a माइनस प्लस लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी होता है। अगर आपको प्लस को माइनस में चेंज करना है या माइनस को प्लस में चेंज करना है तो दोनों के लिए ही आप यही फॉर्मूला यूज करें। अब आप खुद देख लीजिए आपको क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ठीक है, मतलब अब मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ जैसा मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर will be equals to a minus 1 upon a का whole square plus 4ab। तो इससे क्या होगा बेटे, इससे ये होगा कि a से a cancel हो जाएगा। अब बताओ a minus 1 upon a की वैल्यू कितनी दी निकाली थी बेटे हमने, a minus 1 upon a की वैल्यू कितनी निकाली बेटे, 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटे, 29। दूसरे फॉर्मूले में जंप कैसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। Okay.